एक कॉल हज़रतली से रवायत है कि जिस घर या महफिल में आपकी इज्जत ना की जाए या तकफीर की जाए वहाँ जाने से गुरेज किया जाए मेरे इल में तो कोई ऐसी बात नहीं है कि जी आपकी जहाँ पे इज्जत ना हो आप वहाँ ना जाए मेरे इल में कोई ऐसी बात नहीं है जी सईदी नदी अल्लाह तुम के बारे में तो अक्सर अखबाल जो मशहूर है ना वो एम ही बस हर एक के नीचे जो है ना वो लिख के हजरत अली का कॉल मशहूर कर दिया जाता है और ख़ुद सईदली की आप अपनी शख्सियत देख लें कि उनकी ज़िंदगी पूरी इंकसारी के ऊपर ही मबनी है तो मतलब वो जो वाक्य बड़ा मशहूर है जिसकी वजह से हम करमल्ला वजूल करीम उनको कहते हैं कि उन्होंने मैदान जंग में काफिर को पिछाड़ा उसके सीने पर चढ़ गए और उसने थूक दिया सईद अली के चेहरे पर तो हज़रतली उतर गए। उसने कहा ये क्या हुआ फर पहले तो मैं अल्लाह की वजह से तुझे कतल करने लगा था अब मेरा गुस्सा भी इसमें शामिल हो गया तो मैंने इसलिए फिर तुझे छोड़ दिया तो उसने इसकी वजह से वो इस्लाम कबूल कर लिया तो उसने कोई हजरत तो अली की इज़्ज़त तो नहीं की थी बेजती की थी लेकिन सैदन अली ने उसके साथ उसने सलूक ही किया है उस वाक्य की वजह से आज तक हम करमजुल करीम कहते हैं कि अल्लाह ताला उनके चेहरे के ऊपर अपना करम नाजिल फ़रमाए कि उनके उन्होंने चेहरे पर थूक अल्लाह के लिए बर्दाश्त की सही सही मुस्त ये बस वाक़ उसमें सीरत की किताबों में मिलता है ना रेफरेंस वेफरेंस कोई नहीं है इन चीज़ों के जो वाकियात हैं वो इसी तरीके से होते हैं बस उनको तल्क् बिलकबूल हासिल होती है ना जैसे इस वाक्य को तरक्की बिलकबुल हासिल होगी है इसी तरीके से सईदा फातमत तो ज़ाहरा का जो लकब है ज़ाहरा वो मुझे किसी हदीस की किताब में तो नहीं मिला लेकिन तल्की बिलकबुल अमली तवातुर के साथ चीज़ें ट्रांसफ़र कर रही हैं यानी उम्मत में कोई दूसरी राय नहीं पाई जाती इस हवाले से तो वो ख़ुद ब खुद इजमाई दलील हो जाता है उसके लिए चीज़ ज़रूरी नहीं होती है कि वह आप उसके लिए कोई और दलील पेश करें इस हवाले से